ना करो। तो यहाँ देख सकती हैं बॉम्बे से जो हमारी सिस्टर चल के आई हैं, तो चल के यहाँ प्यारा सा गिफ्ट लाई है, जंजीर। जंजीर ही बोलते हैं ना, चेन वाले का जंजीर। चेन तो ट्रेन वाले को बोलते हैं जो खींचते हैं, नहीं जंजीर तो उसको जिसमें डायलॉग। ओ हंस दो मुस्कुरा दो, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब मेरे बेबी के फंक्शन में ही है। मेरे बेबी के फंक्शन में भी जलू लाना गोल्ड लेने के लिए। तो अंकुश भाई देख रहे कौन महंगा महंगा गिफ्ट दे रहा है, उसको इनवाइट कर रहे हैं। इसके अंदर है क्या पहले वो तो पता चले, देखने के बाद। ठीक है ठीक है, फिर तो दादी लिया बटे लच्छे जो कुछ कुछ आए कि आज अच्छा अच्छा है पहना तो है हाथ में। ये लड़की नहीं लड़का है, पायल क्यों पहना रही है? पायल आए लच्छा हो, लच्छा है के बोल जाते हैं पैर पे। चलेगा तो छन छन कर दो। हमारे कृष्ण कन्हैया भी पहनते थे, काना पहना पायल दी है। आपके नाम की दो प्लेट ऑर्डर कर दूंगा, लच्छा भी लाना। अच्छा जोड़ी बा घोड़े का एकदम भगवान ना इतना है, एकदम हम बोले हम इससे इनसे बोले कि पहनावरा देते ना घर में बात जब तक पहनावा ना घर में तो रहता है, हम लोग तो पहना के ही रखते थे बच्चे लोग को जो मिलता था ना ना पहने। और कुछ तो नहीं लाई, भूल गई अभी बम्बई आ गया। हां भाई अब बॉम्बे आएगा और कुछ लाई होगा बम्बई बस ले लो बे, बम्बई जाओगे तब मिलेगा, बम्बई वाले को जरूर बुलाएंगे। बम्बई हम लोग भी चलते हैं ऋषभ को लेके बम्बई। तो अंकुश भाई ने आपका नाम नोट कर लिया और अपने बेटे के बर्थडे में जरूर बुलाओ, अपने मम्मी पापा को बाद में बुलाओ। सबसे ऊपर लिस्ट पे आपका नाम। सोना साथ में ले दूंगा, सोना सोना इन्होंने सोना दिया, सोना साइड में लच्छा। लच्छा मम्मी दी है, मैं नहीं दी हूँ। मम्मी आप भी आना, इनको भी लच्छा दे दी। अरे मोनिका जी को भी लिख लो, वो भी दी है, वो गोल्ड दी है गोल्ड। मैंने प्रशांत को भी लच्छा पहना है जिससे एंट्री हुई। BMW पुराने जमाने का BMW दी है 13,000 की। आप अच्छे अच्छे बाबू के नाम घर में AC दी थी, डबल इनविटेशन। हमारे घर में एक ही लगा हुआ है, जरूर जरूर। भी सोना दी है AC, सोना पैसा। अंकुश भैया AC माइक्रोवेयर BMW कार। आप अभी चलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सब आपका खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक हफ्ते रहो, सब खाने पीने आप एक जब देने के लिए बुला रहे हो तो पहले पैसा तो इकट्ठा करूँगी तभी तो दूंगी। एक दिन मुझे अपने घर ले जाके रोटी खिलाएगा और जाएगा बोझ बन गई। माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड। होटल से लाऊं? मेरा खुद का होटल है, आओ मेरे घर। आप ही होटल में पार्टी करेंगे, पैसा बच गया। मेरी तरफ से पार्टी डन। चांदी पे रहता है इनका पॉलिसी, जब मर्जी आप पार्टी कर सो लीजिए। मेरे भाई को बता देते छोड़ देते। सुबह सुबह सबकी गुड मॉर्निंग है और हमारे ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। हमारी भदोही वाली बुआ आज प्रस्थान, पूरी सब भर भर के मिली हुआ। मम्मी अंकल देखा, भाभी मेरी बना के सुबह सुबह हमको नाश्ता, इनकी बहुत चिंता थी कब कचोड़ा था इनके, पता नहीं सोई ना सोई, अठवा रच के मंगाई दे नहीं। मम्मी कल ही बोले कह रहे दूर का सफर है, अकेले कैसे जाएंगी और
खाए भी ना रहेंगी नहीं, सवेरे उठ के कुछ ना कुछ बना देंगी। बजे रात बोल रही थी बनाने के, सुबह टाइम भतीजो तारीफ कर दिया, भतीजो कमाल उठ गया, भतीजा तो मुंह छुपा रहा तो बुआ को छोड़ने के लिए यूवी जा रहे हैं और उनकी बहन जा रही है और कोई जा रहा है, हाथ खड़ा करें जल्दी से, हाथ उठाइए, एक बजे से कुछ जा रहा है, मेरा हाथ खड़ा है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बुआ को बैठाने के लिए, बुआ आ रही है उधर से और कार को ले लेते हैं। तो जो रिटर्न गिफ्ट है बुआ को वहां नहीं मिला था, यहाँ को बुआ हम पहले पकड़ा देते हैं क्योंकि वहां पे हो सकता है मैं भूल जाऊं देने में, और फिर जा रही है। तो ये लीजिए बुआ जी आपका रिटर्न गिफ्ट, आप रख लीजिए, वहां पे जाके खोलिएगा, देखिएगा, बताइएगा लोगों को, हम झोला झोला होगा ना। तो फाइनली हम सब पहुंच गए हैं स्टेशन पे और इधर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन काफ़ी प्रगति पे है और कार भी प्रगति पर है। धार हो रहा है क्या हो रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है। हाँ, रेलवे का विकास हो रहा है, इंडिया का भी विकास हो रहा है। आप लोग भी देख लीजिए, आप बोलते हैं मोदी जी आ गए, विकास नहीं कर रहे थे, आपका आपको हम विकास दिखाते हैं। तो देख सकते हैं विकास गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का चल रहा है, आप लोगों को बहुत जल्द ही पूरा देखने को मिलेगा। सब लोग पैदल चल के आ रहे हैं स्टेशन के लिए और हम भी जा रहे हैं छोड़ने बुआ को। तो मिलते हैं प्लेटफार्म पर, बने रहिए वीडियो पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन का काम चल रहा है पूरा, काफ़ी प्रगति पर काम है और एक समय में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, जूम करता हूँ मैं, ये देखिए पूरा काम चल रहा है, तो नए तरीके से आप लोगों को रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। ट्रेन आ चुकी है और काफी इंतजार के बाद हम लोग वेट कर रहे थे, वेट करने के बाद ट्रेन आके फाइनली आ चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं और हम लोग बैठा के निकलने वाले हैं यहाँ से। तो बुआ हम लोगों ने बैठा दिया है ट्रेन में और चलते हैं, देख सकते हैं ट्रेन आके खड़ी हुई है, हम लोग भी आए हैं काफी देर से वेट कर रहे थे और इंतज़ार करते करते हम लोग थक गए थे और ट्रेन आ गई, खड़ी हो गई बुआ को बैठाने के बाद, चल रहे हैं घर पे। देखिए सब लोग कैसे भाग रहे हैं स्टेशन पे, बहुत गर्दी चल रही है। हाँ, तो बुआ को छोड़ के हम लोग आ गए हैं घर पे और यहाँ पे चल रही है सब लोगों की मीटिंग। और यहाँ पे चल रहा है मिस्टर टॉप ब्लॉग, सब लोग बैठ गए एंजॉय कर रहे हैं पार्टी का। अच्छा उनकी बुआ की लड़की जो छोटी वाली बुआ है, बाकी अभी सब लोग सो रहे हैं। चाय कभी कब तक चलता है बुलावा? हाँ। बुआ को छोड़ने के बाद हम आ गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। अब मेरे साथ है मेरे बड़े साले पंकज और हम दोनों आए हैं घर के लिए कुछ राशन का सामान लेने, क्योंकि हलवाई लगे हुए हैं तो सबके लिए कुछ नाश्ता बनना है और देखते हैं छोले कुलचे लेके आए हैं। बटर होगा क्या? बटर यहाँ से हम ले रहे हैं छोले कुलचे और छोले कुलचे बनने वाले हैं, छोले नहीं ले रहे थे कुलचे लिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग छोले कुलचे ला दिए हैं, अब बनने वाला है पराठे भी इसी से करेंगे। तो आप पराठे कम कम ज़्यादा। तो भैया यहाँ सब लोगों को भेज रहे हैं हम घूमने के लिए, जा रहे हैं चांदनी चौक लाल किला, हमें भी बोल रहे थे बोलिए, बोले कि चलो घुमा दो, हम बोले कि खाली नहीं, थके हुए हैं और नींद भी पूरा नहीं हुआ है, नाक भी पूरा जाम है, सुबह सुबह उठना पड़ा था। तो सब लोग जा रहे हैं, आए हैं तो बोल रहे हैं कि एंजॉय करके जाते हैं। चलो भैया बैठो, सब लोग लेट मत करो। यूवी तू पीछे बैठा यार, तो हाँ जीजा अभी से बैठी तू आगे बैठ। क्या कह रही हो? अरे मेरी बात सुनो, अच्छा जलेबी और लड्डू दोनों मंगवा रहे हैं मैंने, चाय और उन्ना जी साफ सफाई की और सामान बाहर निकाल दिया और सामान कोने झाड़ू मार के रख दिए हैं।
हाँ वंदना जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो साफ सफाई का ध्यान रखा है। तो यहाँ पे साफ सफाई कर रहे, झाड़ू उठा रहे, काम वाली आ गई झाड़ू। अच्छा काम वाली भी आ गई। तो यहाँ पे बिस्तर को ठीक ठाक कर दिया इन्होंने। झाड़ू पकड़ लो एक बार हाथ में, थंबनेल लगा लेते भैया, नहीं बोलेंगे वंदना जी तो काम ही नहीं किए हैं। प्रूफ के साथ दिखा देते हैं ना। काम वाली अभी आई है, इसका फोन आ रहा है। लीली, तो सब लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं नीचे। और तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ सब लोगों को नाश्ता कराने के लिए। ओहो, गर्मा गर्म छोले, कोंचे, पराठे, बहुत अच्छे हैं। ओला कौन अच्छे छोले कुंचे? सोनाक्षी खाओ, सोनाक्षी का फेवरेट है छोले कुंचे। तो इधर ये लो ग्लास, अभी और आ रहा है। गर्मा गर्म पराठे, छोले, कौनचे, जिसको आलू भी लेना। ये क्या है? ये आलू, आलू है चोखा। चोखा है, चोखा जो खाएगा हो जाएगा धोखा। चोखा क्यों रखा हुआ है? खाना खाओ, बकवास नहीं। ये रखा है जिसको मन हो अपना खाएगा, कुंचे खाएगा और क्या। आ गए भैया अपने असली रूप में। असली रूप में भैया, अगर किसी को चोखा खाना तो चोखा खा ले, चोखा रखा हुआ है। हमारे लिए भी ले आओ। कैसा चोखा? चोखा वही जो धोखा देता है। अरे मेरे लिए भी ले आओ। कहाँ है वो धोखा? बहुत अच्छे इसको ले आओ। तो यहाँ हमने ले लिया गर्मा गर्म छोले कुंचे और हमारे साथ बैठ गई दीदी भी खाने के लिए। अब मुझे बहुत तेज से पंकज भाई डांटे हैं गाइस, करे हम सबके सामने। भाई है तो डांट ही सकते हैं ना। नहीं ऐसे कैसे डांट सकते हैं, इनको हक है डांटने का। बिल्कुल प्राची देखो, रस की हो बस आगे खा ले। प्राची आज बोले मुझे ठंडी लग रही बहुत तेज, मत पूछो। झूठ बोलती है प्राची। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं प्राची कैसे खाना खाती है। नहीं सबका रियल फेस देख लो सुबह का। आपका तो नहीं है रियल, जैसे सब खाते हैं दुनिया में। हम तो भैया लिप बाम लगाते हैं, मेरा होंठ फट रहा है। हम तो लिपस्टिक लगाते हैं। ये हमारे भाई साहब आ गए हैं चोखा उखा लेके, सब आइटम लेके आए। चोखा हम नहीं ले, हम भी ले लेते हैं चोखा। अपने लवर प्यारी बड़ी लीड कर दूंगा, ये नहीं लेकर आए। 24 जून मुंह पे खाल खाके बनाए। 24 जून एक दिन आगे पीछे, उसी दिन साथ में काट। ये भी का तुम्हारा बर्थडे कब है भाई? ये भी का तुम्हारा बर्थडे कब है? 24 जुलाई है उनका। 24 जून इनका जुलाई। बस बस सब आ गया। खालिया खाली है जी। मैं कैमरा मेरा ही शूट कर रहा है। ट्रेंडिंग में जो रहता है उसी को सूट करते हैं। सचिन भाई, अंकुश भाई, अमित भाई। नहीं मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन ये है कि खाना नहीं खाओ तो थोड़ा सा वीकनेस महसूस। बच्चे होने के बाद नहीं होता है। एक कुल्चा दे दो यार।